लास्ट क्लास में हमने 17 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपको थ्योरी आती है उसी के बेसिस पे आगे चलेंगे। जितना हमने पढ़ा हुआ है ना उसी के बेस, उसी के ऊपर बेस अभी क्वेश्चंस चलेंगे। चलो अब आगे देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 18 देखना सब लोग इधर ध्यान से, रफ कॉपी रखें अपने पास। The length of a perpendicular from origin to a line is 7. And the line The line makes an angle of 150 degree with the positive direction of y-axis then find equation of line। चलो try करो, easy सा question है, सब लोग को try करना है। ठीक है, अभी टाइम दूंगा मैं आपको, ताकि आप अभी टेस्ट भी हुआ है तो आप उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है होने चाहिए आपसे। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग और आंसर बताओ इसका। इसका भी आंसर आ रहा है, बताओ। √3x देखो, हाँ कुछ बच्चों का सही आ रहा है। द लेंथ ऑफ परपेंड, अब ये ना ये नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन हो गया, एक तरीके से नॉर्मल फॉर्म जैसा हो गया, बट इसमें परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, सॉरी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर क्या एंगल बना रहा है वो नहीं दिया हुआ। तो इसने क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन इज 7 एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-एक्सिस। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-एक्सिस ये है, ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस हमारे पास ये है, ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द पॉजिटिव। अच्छा, जैसे हमने ना एक नोटेशन बनाई थी, अब क्या होता है मैथ्स में बहुत सारी चीजें ना, कुछ चीजें तो डेफिनेशंस हैं, उनको आप मतलब उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं लगा सकते। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई 2+2 जो है वो प्लस वाला जो सिंबल है वो समझ आता है कि ऐड करना है हमें, है ना, तो वो नोटेशन है। ठीक है, जैसे हम फंक्शन जब मानते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई y = f(x) हम फंक्शन लिखेंगे, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसे जैसे हम एंगल को मेजर करते हैं तो हमने ये माना हुआ है कि अब जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मानेंगे
और क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव मानेंगे। ऐसे जब मैं राइट हैंड साइड में एक्स को मेजर करता हूँ तो वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में मेजर करूंगा तो वो नेगेटिव होगा। तो ये कुछ चीजें तो मतलब नोटेशन हैं, मतलब इनको आप इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो जैसे एक बच्चा पूछा सर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल पॉजिटिव क्यों लिया, वो तो जिसने अब नैस जब डिफाइन हो रही थी या बन रही थी तो जिसने जो बना दिया उसी को लेके हम चलते हैं। तो अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कहने का क्या मतलब हो गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। अब 150 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव 150 है, हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलना पड़ेगा, हमें क्लॉकवाइज सेंस में नहीं चलना बेटा, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलेंगे तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसा आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा ना। तो ये मान लेते हैं ये एंगल हमारे पास 150 डिग्री है, ठीक है जी, इतना समझ आ गया। अब क्या कर रहा है वो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू वो लाइन इज 7, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर हम गिराएंगे वो जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये 7 के बराबर है, ठीक है। तो ऐसी दो लाइंस बन सकती हैं अब क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ के लिए तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना, वो तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर मैं पी को 7 बोल रहा हूँ तो प्लस 7 भी लेना पड़ेगा हमें, माइनस 7 भी लेना पड़ेगा। तो एक ऐसी लाइन बनेगी जो 7 यूनिट्स पर होगी, एक और इसके पैरेलल लाइन आ जाएगी और ये यहां से इसके साथ क्या बना रहा होगा, ये भी 7 यूनिट बना रहा होगा, दो लाइन बनेंगी। अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप कितनी होगी इसकी, अब ये स्लोप जो है ना टैन 150 नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना आपको, क्यों नहीं होगी टैन 150, क्योंकि वो तो प्लस वाई के साथ एंगल बना रहा है ना, हमें तो किसके साथ चाहिए होगा, प्लस एक्स के साथ चाहिए होगा। 150 है तो ये कितना हो जाएगा 30, 90, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो इस लाइन की स्लोप आ रही है tan 60, tan 60 इज रूट 3, पॉजिटिव स्लोप है इस लाइन की क्योंकि पैरेलल है, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी रूट 3, है ना, समझ गए, इतना तो क्लियर है। अच्छा अब मैंने लाइन की इक्वेशन लिख देनी है, तो लाइन की इक्वेशन में क्या लिखूंगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, तो लिखते हैं वाई इज इक्वल टू रूट 3 एक्स प्लस सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 7 है, तो इसको ऐसे लिख देता हूं रूट 3 एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसलिए हमारे को सी की वैल्यू निकालनी है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 है तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं 0 माइनस 0 प्लस सी का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 7। तो मॉड सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 14 हो गया, तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 14, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी रूट 3 एक्स माइनस वाई प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, दो आंसर आएंगे, समझ गए ना सब लोग, यहां तक ऑल क्लियर, जल्दी से बताओ ऑल क्लियर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 18, प्रॉब्लम 19। जिसको नहीं समझ आया प्लीज चैट बॉक्स में लिख दें। टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर गिवन, टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर गिवन, ठीक है।
आर इज अ वेरिएबल पॉइंट, ऑन वन साइड ऑफ लाइन पी क्यू सच दैट एंगल आर पी क्यू माइनस एंगल आर क्यू पी इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट टू अल्फा. फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट आर. ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं. इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है दो पॉइंट है पी एंड क्यू विच आर गिवन. ठीक है अब जब मैंने जैसे आपको बताया था कि लोकस वाले क्वेश्चन में क्या करना है ना, हमें एज्यूम करके चलना है सिंपल से सिंपल चीजों को, मतलब सिंपल से सिंपल मानने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर हम जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे प्रॉब्लम को उतना ही हमारे लिए लोकस भी कॉम्प्लिकेटेड आएगा. मान लो मेरे को टू परपेंडिकुलर लाइंस दे रहा है तो मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लूंगा, दो पॉइंट दे रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि एक्स एक्सिस पे मान ले या वाई एक्सिस पे मान ले. ठीक है सबको स्क्रीन लैग हो रही है क्या, एक बार बताओ मुझे. सबको स्क्रीन क्लियर है कि लैग हो रही है, किस किस को लैग हो रही है वो लिखो, बाकी रहने दो. ठीक है वो ठीक हो जाएगी बेटा, वेट फॉर सम टाइम. कई बार ना वो नेटवर्क का इशू आ रहा है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम विल बी ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. तो मैं ये कह रहा था दो पॉइंट्स अब गिवन है ना, और आर इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ द लाइन पी क्यू. तो हमारे पास क्या आएगा, तो मान लेते हैं जैसे ये पी और क्यू दो पॉइंट है, तो मैंने पी को मान लिया माइनस ए जीरो और इसको मान लिया ए जीरो. मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है तो ए इज अ नोन क्वांटिटी. ठीक है क्योंकि उसने बोला हुआ ना गिवन है, तो हमारे को ये पता चल गया कि a इज अ नोन क्वांटिटी, a इज अ फिक्स क्वांटिटी बोल देते हैं. ठीक है तो फिक्स क्वांटिटी हमें पता है कि भाई a जो है वो हमारी फिक्स क्वांटिटी है. ठीक है अब उसके बाद क्या है, आ जाएगी प्रणव, प्रणव आपको हाँ आ जाएगी स्क्रीन, अभी रुको थोड़ी देर. तो r इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ लाइन पी क्यू, तो मान लेते हैं आर यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट है, तो ये मेरा लोकस वाला पॉइंट है, तो इसको मैं क्या मान लूंगा एच कॉमा के, सच दैट एंगल आर पी क्यू माइनस आर क्यू पी. तो अब हमारे पास कुछ ऐसा है, इसको ज्वाइन करो आप. ठीक है तो ये एंगल आर पी क्यू को हम मान लेते हैं से थीटा वन, और आर क्यू पी को मान लेते हैं थीटा टू. अब गिवन क्या है हमारे को, थीटा वन माइनस थीटा टू इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी टू अल्फा, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, पॉजिटिव हो गया ना. उसने बोला आर पी क्यू माइनस आर क्यू पी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी टू अल्फा, फाइंड द लोकस ऑफ आर. ठीक है बस अब हमें आर का लोकस निकालना, मतलब एच कॉमा के में हमारा आंसर आना चाहिए. तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं, tan ऑफ थीटा 1 मैं लिख सकता हूँ, tan ऑफ थीटा 1 क्या होगा, स्लोप होगा k माइनस जीरो अपॉन एच प्लस ए होगा. tan ऑफ थीटा 2 मेरा किसके बराबर होगा, ये भी स्लोप होगा. अच्छा आप जब स्लोप लोगे तो ये ध्यान रखना है आपको कि स्लोप ना ये वाले एंगल से नहीं आती है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस वाले एंगल से आती है, पॉजिटिव x की डायरेक्शन ही है ना. तो दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा 2, तो मेरे को लिखना पड़ेगा tan ऑफ पाई माइनस थीटा 2, समझ गए सब लोग. यहाँ पे आएगा tan ऑफ पाई माइनस थीटा 2, दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो k माइनस जीरो अपॉन एच माइनस ए. सो इट मींस tan ऑफ पाई माइनस थीटा 2 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो tan थीटा 2 विल बी इक्वल टू माइनस k अपॉन एच माइनस ए. तो एक टर्म ये आ गई मेरे पास. ठीक है अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी दिया हुआ है तो tan ऑफ a माइनस बी ले लेते हैं, तो क्या आएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 ऑन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan 2 अल्फा. सही लिखा हुआ ये, tan ले लिया दोनों तरफ, tan थीटा 1 की वैल्यू पता है हमें k अपॉन एच प्लस ए माइनस, ये प्लस हो जाएगा k अपॉन एच माइनस ए अपॉन 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस k स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू tan 2 अल्फा. ठीक है तो हमारे पास आ जाएगा k h, एलसीएम लो k h माइनस k a प्लस k h, तो प्लस k h k a k कट जाएगा, एच स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस के स्क्र इज इक्वल टू टेन टू अल्फा. ठीक है ये सही है, एच स्क्र माइनस ए स्क्र तो कट गया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद अगर हम लिखें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy cot 2α. हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy cot 2α माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन आ गई तो दिस इज द फाइनल लोकस. आंसर ए में आएगा ऑब्वियसली बिकॉज ए इज अ फिक्स क्वांटिटी. दिस इज लोकस ऑफ आर. आर का लोकस निकालना था हमें. ठीक है, समझ आ गया. देखो भाई ऑल क्लियर करो, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे. मतलब क्वेश्चन का क्रक्स बस यहाँ पे था, आपको स्लोप लिख के उसमें से रिलेशन निकालना था एच कॉमा के में. लास्ट में एच कॉमा के की जगह क्या कर देते हैं, एक्स कॉमा वाई लिख देते हैं, क्योंकि एच कॉमा के हमने लोकस वाला पॉइंट माना था, उसी की क्वेश्चन चाहिए थी. ऑल क्लियर कर दो भाई, सबको समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एंड इट्स वर्टेक्स इज टू कॉमा माइनस वन. फाइंड द लेंथ and equation of its sides. The equation of base of an equilateral triangle is x plus y is equal to 2 and its vertex is 2 comma minus 1. Find the length of equation of it. Find the length and equation of its sides. आएगा ना? Length भी निकालनी है sides की and equation भी निकालनी है. करो try करो. Easy है ये वाला problem. इसका भी आंसर आ रहा है बताओ चैट बॉक्स में.
आईबीसी का आंसर अभी तक देखो मैं बताता हूँ अब हमारे पास क्या है, जैसे एक तो हमें बेस दिया हुआ है, बेस है x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है, तो इसकी स्लोप कितनी है, इस लाइन की स्लोप है माइनस वन, ठीक है, और इसका एक वर्टेक्स दिया हुआ है टू कॉमा माइनस वन, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो टू कॉमा माइनस वन इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, वो कहीं और आ रहा है, ठीक है, अब दो लाइन होंगी जो इसके साथ ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही होंगी, तो मान लेते हैं जैसे ये A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ठीक है, क्लियर है ये तो। अच्छा अब ये वाली लाइन इसके साथ क्या बना रही होगी, 60 डिग्री, ये प्लस में बना रही है इसके साथ, ये वाली लाइन इसके साथ माइनस में 60 बना रही है, देखने में समझ आ रहा है, ये वही वाला कंसेप्ट है कि अगर एक लाइन की स्लोप पता है और एक लाइन उसके साथ से थीटा एंगल बना रही है, तो एक लाइन प्लस थीटा बनाएगी, एक लाइन माइनस थीटा बनाएगी, ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, अगर मेरे को लेंथ ऑफ साइड चाहिए तो बस डायरेक्टली आप क्या करोगे परपेंडिकुलर गिरा के निकाल सकते हो, मान लो ये साइड लेंथ ए है, तो ए कॉस 60, ए साइन 60, ए साइन 60 जो होगा वो ये वाली लेंथ हो जाएगा ना, ये 60 है बेटा, तो ए कॉस 60 तो ये वाली लेंथ होगा, और ए साइन 60 ये रेजोल्यूशन लेते हैं तो कॉस कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग जाएगा, साइन कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग जाएगा, समझते हो ना, ठीक है, तो a sin 60 will be equal to, इसमें पॉइंट पुट करो 2 माइनस 1 माइनस 2 का मॉड, क्योंकि ये लाइन बनेगी x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 1 माइनस 2 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हिच इज रूट 2, 2 से 2 कट गया 1 बाय रूट 2 आ गया, तो a sin 60 होता है रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, तो हमारे पास a जो आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 2 बाय रूट 3 इंटू 1 बाय रूट 2, सो साइड लेंथ आ जाएगी हमारे पास रूट 2 बाय 3, ठीक है, तो ये तो हो गया साइड लेंथ, इसे तो क्लियर है, तो साइड जो साइड की लेंथ है वो रूट ऑफ 2 बाय 3 आएगा, इतना तो आपको समझ आ गया। चलो अब आते हैं इक्वेशन निकालने के लिए, अब देखो इसको मैं डायग्राम से भी बहुत इजीली कर सकता हूँ, जैसे एक लाइन है जिसकी स्लोप है माइनस वन, तो इसका ये एंगल इतना एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज सेंस में 45 बना रहा होगा, तभी इसकी स्लोप माइनस वन है, अब एक लाइन इसके साथ क्या कर रही है प्लस 60 बना रही है, तो प्लस 60 बनाएगी तो वो लाइन ऐसे जाएगी, इसे प्लस 60 बनाएगी, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और टैन 15 की वैल्यू अगर किसी को याद हो वो 2 माइनस रूट 3 होती है, अगर नहीं याद है तो आपको टैन 45 माइनस 30 करके निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक लाइन इसके साथ इस 45 के साथ 60 बना रही है ना, तो वो एंगल कितना होगा 105 डिग्री होगा, तो दिस एंगल विल बी 60, तो इसकी स्लोप हो जाएगी 105 डिग्री, तो टैन ऑफ 105 डिग्रीज, ठीक है, इधर से वो ये नेगेटिव 105 आएगा, तो हम बेटर है इसको इस डायरेक्शन से देख लेते हैं ना, इधर से 105 आएगा नेगेटिव में, इधर से कितना आ जाएगा ये 75 आ जाएगा, तो टैन 75 हो जाएगा, वो 2 प्लस रूट 3 होता है, ठीक है, तो दो लाइन की स्लोप आ गई, पॉइंट हमें पता ही है, पॉइंट क्या है 2 कॉमा माइनस 1, ठीक है, तो एक लाइन की स्लोप प्लस 60 होगी और एक लाइन की स्लोप माइनस 60 होगी, ठीक है ना, मतलब हमारे पास माइनस 45 था तो उसमें प्लस 60 करेंगे तो 15 डिग्री प्लस में आएगा, और ऐसे उसमें माइनस 60 कर रहे हैं तो माइनस 105 आ रहा है जो कि प्लस से 75 हो जाएगा, ठीक है, तो अब मेरी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएंगी, y प्लस 1 इज इक्वल टू एक स्लोप आ गई 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि पॉइंट हमारे पास 2 कॉमा माइनस 1 है, हाँ ठीक है, तो लाइन 1 ये हो गई हमारे पास, ऐसे लाइन 2 जो होगी वो हो जाएगी
y plus 1 is equal to 2 plus root 3 into x minus 2 aligned हो जाएगा। देखो भाई सबको समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये हो गया हमारा 20th प्रॉब्लम। ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है, तो भी मैं लिख रहा हूं। एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पॉइंट 1, 2 whose distance from the point 3, 1 has the greatest value. The equation of a line through point 1, 2 whose distance from the point 3, 1 has the greatest value. एक बार इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो या सोचो कैसे होगा, फिर मैं बताता हूँ। एक लाइन निकालनी है जो 1, 2 से पास करेगी बट वो 3, 1 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की दूरी पे होगी। डायग्राम बनाओगे ना तो समझ आ जाएगा। एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। सही है, आंसर सही है, y equal to x। देखो इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। हमें एक लाइन, अब एक लाइन निकालनी जो कि 1, 2 से पास कर रही है, ठीक है? तो 1, 2 से एज सच कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं। जैसे मान लो मैं 3 लाइन बना रहा हूँ अभी, एक लाइन तो ये हो गई, ठीक है, एक लाइन ऐसी हो गई, इनफाइनाइट पास कर सकती है। मैं बस 3 ही बना रहा हूँ जो कि मुझे ये शो कर रही है कि एक लाइन L1 जो है वो तो शायद पैरेलल टू एक्स एक्सिस टाइप मैंने बनाई है, वैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, वो हॉरिजॉन्टल टाइप बनाई है मैंने। एक लाइन L1 से ऊपर की डायरेक्शन में, एक लाइन L1 से नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, 3, 1 से वो वाली लाइन निकालनी है
1,2 से जो लाइन पास करें, मतलब इन तीनों में से और ऐसी और इनफाइनाइट लाइन जो पास करेंगे यहाँ से, उनमें से वो लाइन निकालनी है जो 3,1 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की दूरी पर हो। ठीक है, तो अब देखना एक बार ध्यान से कि अगर हम ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। मैंने आपको एक चीज और बता रखी है, जब भी हम मैथ्स में डिस्टेंसेस लेते हैं तो अलोंग द लाइन लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट से लाइन की बात कर रहा है ना वो। तो एक मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, ठीक है, डी1। एक मैंने L1 ऐसे बनाई है जो कि 1,2 से पास करेगी और 1,2 पर ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, ऐसे मैंने ये बनाया और ये मेरा D3 हो गया। ये समझ आया, ये तीन परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस मैंने कैसे बनाए। तो मैंने क्या किया, मैंने 1,2 से पास करने वाली तीन लाइंस बना दी, वैसे इनफाइनाइट पास करेंगे, और 3,1 से उनके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस घेरा। ठीक है, तो ये जैसे एक परपेंडिकुलर हो गया, ये D2 परपेंडिकुलर हो गया, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये D2 जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इससे बना देता हूँ इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है हमारा D2, ठीक है, और D3 जो है वो L2 के, तो इसको अच्छा ऑर्डर में थोड़ा सा अलग लिख दिया हमने, तो ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा D1 होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वन, ये D3 होगा और ये D2 होगा। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल उठाता हूँ, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल जो है ये उठाऊंगा, इसमें यहाँ पर 90 है, तो D1 इसमें से ग्रेटेस्ट है, मतलब D1 D3 में से कौन सा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है, D1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्राइंगल उठाता हूँ, इन दोनों में से D1 फिर ग्रेटेस्ट है, D1 D2 में से, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि वो वाली लाइन हमें रिक्वायर्ड है जो 1,2 से पास कर रही हो, ठीक है, और 3,1 से जो आप उस पॉइंट को ज्वाइन करोगे वो परपेंडिकुलर भी उसी पॉइंट पर होनी चाहिए। 1,2 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन ये था, 1,2 से पास करने वाली लाइन निकालो जो 3,1 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की दूरी पर हो। ठीक है, 1,2 से पास करने वाली वो लाइन निकालो जो 3,1 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की दूरी पर हो। तो 1,2 से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं, बट एक लाइन ऐसी होगी जिसके लिए 1,2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम द पॉइंट 3,1। तो जब 1,2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम 3,1, वही वाली लाइन ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे आ रही है। वो हमें देख के समझ आ रहा है ना कि भाई जैसे अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखता हूँ, तो इसमें D3 मेरा नॉर्मल डिस्टेंस है, D1 उसका हाइपोटेन्यूज है, D2 मेरा नॉर्मल डिस्टेंस है, D1 उसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब मेरे को L1 निकालना है, बस ये मेरा कंसर्न है। तो कौन सी लाइन ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की दूरी पर होगी, मतलब अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि लाइन है जो 1,2 से पास कर रही है, वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की दूरी किसी और पॉइंट पे, तो 1,2 और वो वाला पॉइंट इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा एट 1,2। ठीक है जी, अब हमें ये वाली जो लाइन, इसको मान लेते हैं AB, AB की स्लोप पता है, तो स्लोप ऑफ AB इज 2-1/(1-3), तो -1/2 है, तो स्लोप ऑफ L1 कितना आ जाएगा, उसका परपेंडिकुलर है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब लाइन L1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ठीक है, लाइन L1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y-2 = 2 × x-1, y = 2x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, अभी समझ आया नहीं समझ आया, जिसको भी स्क्रीन लैग हो रहा है थोड़ा सा वेट करो बेटा, आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो, देखो क्वेश्चन ये था, 1,2 से पास करने वाली लाइन निकालो जो 3,1 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की दूरी पे होगी। एक मिनट में दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सुनो,
तो क्या था, एक लाइन निकालनी थी हमें जो 1,2 से पास कर रही है और 3,1 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की दूरी पर है। तो मैंने 1,2 से एक लाइन बना दी L1। अब एक लाइन बना दी जो थोड़ा सा ऊपर को उसको टिल्ट कर दिया, एक लाइन बना दी थोड़ा नीचे को टिल्ट कर दिया। अब जो भी इनफाइनाइट लाइन्स आएंगी वो क्या होंगी, L1 से ज्यादा ऊपर होंगी, L1 से नीचे होंगी, ठीक है। फिर मैंने आपको ये शो किया कि अगर आप 3,1 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराते हो इस लाइन के ऊपर, वो वाला जो डिस्टेंस होगा वो 3,1 से ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। कैसे, आपने ये परपेंडिकुलर गिराया, आपने L3 परपेंडिकुलर गिराया, L2 परपेंडिकुलर गिराया, तो देखने पे समझ आ रहा है कि अगर मैं ट्रायंगल ABC उठाऊंगा तो उसमें हाइपोटेन्यूज AB तो है, ऐसे अगर मैं ट्रायंगल ABE उठाऊंगा तो उसमें हाइपोटेन्यूज क्या AB तो है, इसका मतलब AB जो है वो डिस्टेंस ग्रेटेस्ट है। अब तो A पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, हमें लाइन L1 की इक्वेशन चाहिए, अभी आ जाएगा बेटा, रुको एक मिनट, नेटवर्क चेंज हो गया। देखो अभी आया स्क्रीन, एक बार बताओ मुझे। अब तो आ गया होगा, एक बार देखो, यस करो चैट बॉक्स में अगर स्क्रीन आपको दिख रहा है। एक मिनट, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। वेट फॉर अ मिनट बेटा, जैसे स्क्रीन आपको आती है तो आप मुझे यस लिखें चैट बॉक्स में। अभी भी नहीं आया, अभी आया स्क्रीन आप लोगों को कि नहीं आया ये बताइए। नो सर। ओके
मैं रीज्वाइन कर रहा हूँ मीटिंग, एक मिनट रुको। अब देखो आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, अब आप सर ओके। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में ये था कि एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2 हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 1 हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो 1, 2 से पास करने वाली लाइन निकालनी है जो जिसका डिस्टेंस 3, 1 से ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1, 2 से पास करने वाली लाइंस बना दी, जैसे L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, ऐसे लाइंस बना दी। अब जब मैंने लाइंस बनाई तो 3, 1 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन वही है जो 1, 2 पर जिसका फुट ऑफ अपेंडिकुलर है। ये मैंने आपको शो कैसे किया, मैंने ये एक लाइन बना दी L1, ऐसे मैंने एक टिल्टेड लाइन बना दी L2 और एक टिल्टेड लाइन बना दी L3, फिर इनके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर गिराई। तो मैंने ये देखा कि भाई D1, D2, D3 में से सबसे बड़ा D1 है। क्यों? क्योंकि D3 वाले ट्रायंगल के साथ D1 हाइपोटेन्यूज बन रहा है, D2 वाले ट्रायंगल के साथ भी D1 हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो जितने परपेंडिकुलर आप गिराओगे उन सब पे D1 जो होगा वो हाइपोटेन्यूज बनेगा। इसलिए D1 सबसे बड़ा है, इसलिए L1 इज द रिक्वायर्ड लाइन। जो हमें लाइन निकालनी ना 3, 1 से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की दूरी पर, वो L1 है। अब L1 निकालने के लिए हमने क्या किया, ये AB की स्लोप पता है तो L1 उसके परपेंडिकुलर है, M1 M2 -1 करके L1 की स्लोप निकाल ली, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 22 पे। फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू of the distance of the point cos theta comma sin theta where theta belongs to r from the line 3x minus 4y plus 10 equal to 0। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0 करो भाई, आंसर निकालो जल्दी से। फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। Hmm.
एक बार ट्राई कर लो सब लोग। वेलकम 3 इज द राइट आंसर। देखो आप डी परपेंडिकुलर निकालोगे पहले तो 3 cos थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 10 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हिच इज 5। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो अंडरस्टूड है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा की तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें अब आपको 10 ऐड करना है, तो 10 माइनस 5 से लेके 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 10, यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, उसको 5 से डिवाइड करना है, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, तो इस तरफ आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनिमम आ जाएगा और मैक्सिमम 3 आ जाएगा। तो हमें ये तो निकालना था लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, तो लीस्ट डिस्टेंस इज 1 यूनिट्स and greatest distance is 3 units. Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसान सा क्वेश्चन था ये तो, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड था, बस एक आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। प्रॉब्लम 23, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम find the area of parallelogram contained by the lines find the area of the parallelogram contained by the lines 4y minus 3x minus a is equal to 0 3y minus 4x plus a is equal to 0 4y minus 3x minus 3a is equal to 0 and 3y minus 4x plus 2a is equal to 0। ठीक है, ये चार लाइंस हैं, ये चारों लाइन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4y होगा यहाँ पे ना, ये इस लाइन की स्लोप भी 4/3, इस लाइन की भी स्लोप 4/3, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसकी स्लोप है नहीं, इसकी स्लोप है 3/4, इसकी भी 3/4, इसकी है 4/3 4/3। ठीक है, तो ये अब आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा, हमें इसका एरिया निकालना है। करो भाई ट्राई करो और बताओ आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताओ बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का।
नहीं 2a² / 25 इज नॉट करेक्ट. देखो अब इसको करने के ना दो तरीके हैं. तो ऐसा कुछ हमारा 4a² / 25 नहीं बेटा नहीं. देखो इसमें क्या है, ये आपके पास एक लाइन हो गई, इसको ऐसे लिख लेते हैं 4y, इसको ना x को आगे कर लेते हैं इसमें. तो ये वाली लाइन आ जाएगी हमारे पास 3x - 4y + a = 0. इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3x - 4y + 3a = 0, ठीक है. तो स्लोप 3/4 है इन दोनों की. अच्छा अब ये दूसरी लाइन है, इसमें भी x को आगे लेकर आना है, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x - 3y - a = 0, 4x - 3y - 3a = 0. अब पहला तरीका तो क्या है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, जो ये ट्राइंगल्स होते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो आप क्या करो, तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो. दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इन अ पैरेललोग्राम. तो उससे क्या होगा कि आपके ये वाले का एरिया आ गया, तीन पॉइंट्स अगर आ जाएंगे स्टेयर्स मेथड से या डिटरमिनेंट मेथड से, उसका डबल करके आपको पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा. एक तो ये तरीका है. अब जो दूसरा तरीका, जो ज्यादा अच्छा तरीका है, वो ये है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच में निकालना आता है, वो हमारे पास डी वन हो जाएगा, ठीक है. तो डी वन इंटू बेस करना है हमें, बेस इंटू हाइट होता है ना इसका एरिया, और ये मान लेते हैं हमारा डी टू है. मैं बना रहा हूँ ध्यान से, देखो ये डी वन है और ये हमारा डी टू है. ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस g1 है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा d2 है. तो मेरे को बेस निकालना है ना यहां से. तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है. तो आप ये देख सकते हो कि अगर ये बेस को मैं b मानता हूँ, ये वाले लेंथ को मैं b मानता हूँ, तो b cos थीटा मेरे पास ये आएगा, इसको p1 p2 मान लेते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एक्चुअली में. तो अगर इसको बी मानता हूँ तो ये मेरा बी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना. और ये जो पी वन वाली लेंथ है ये कितना हो जाएगा, बी वन साइन थीटा, बी साइन थीटा. तो बी साइन थीटा मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, पी वन के बराबर आ जाएगा. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो बेस इज बी इंटू पी टू. ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, बेस इनटू हाइट, हाइट इज पी टू. ठीक है जी, ये क्लियर हो गया हमें. अब मेरे को क्या करना है, बेस जो है, बेस इनटू हाइट होता है ना, तो हाइट, तो हम ये बेस लिया तो ये वाली हाइट ले लेंगे. अब जो बेस है वो किसके बराबर है, पी वन बाय साइन थीटा, तो बन जाएगा पी वन पी टू बाय साइन थीटा. वे थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो जो भी दो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल है, ठीक है, जो साइड्स बना रही है. अब P1 देख लेते हैं, P1 P2 निकल जाएगा हमारा आसानी से. तो P1 जो है मेरे पास, P1 किसके बराबर आ जाएगा, अरे यही तरफ फेक्टिंग काम का चाहिए, हां काम है वो फेक. देखो P1 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, ये वाला डिस्टेंस है, तो C2 - C1 / √a² + b² से आ जाएगा 2a / √a² + b² = 5. अच्छा P2 निकालते हैं, P2 किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस -3a + a, तो 2a/5, ये भी 2a/5 आ जाएगा. ठीक है, अब एंगल निकालना पड़ेगा साइन थीटा. तो इस लाइन की स्लोप थी हमारे पास 4/3, इस लाइन की स्लोप है 4/3, इस लाइन की स्लोप है 3/4. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का टैन थीटा आ जाएगा हमारे पास. टैन थीटा किसके बराबर आएगा, 4/3 - 3/4 / 1 + m1 / m2 = 4/3 × 3/4. समझ गया ना, m2 - m1 / 1 + m1 / 2. तो ये आ जाएगा 16 - 9 = 7/24 × 7/12 आएगा, सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 16 - 9, तो 7/12, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 12 + 12 = 24/12, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/24. सो अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ टैन थीटा का, तो ये 7 है, ये 24 है, तो ऑब्वियसली ये 25 आ जाएगा. ठीक है, पाइथागोरस से 576 + 49 है ना. ठीक है, तो साइन थीटा मेरे को तो साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 7/25 के बराबर हो जाएगा साइन थीटा.
तो अब एरिया किसके बराबर आएगा, पी वन पी टू बाई साइन थीटा, टू ए बाई फाइव इंटू टू ए बाई फाइव इंटू डिवीजन में साइन थीटा, वो आ जाएगा 25/7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4a² / 7। ठीक है, 2a बाय इसमें आया था 5, इसमें भी आया 2a बाय 5, एक मिनट रुकना, 7/25 है ना, पी वन पी टू बाय साइन थीटा है, तो बाय साइन थीटा अगर हम करेंगे तो 7/25 आएगा। ठीक है, तो 4a² / 7। नहीं, कहीं कुछ मिस्टेक करी है, एक मिनट, लाइन मैंने कुछ गलत दिया, एक मिनट देखना, यहाँ पे ना लाइन में 2a दिया हुआ था, मैंने 3a ले लिया है, इसीलिए वो हमारा आंसर थोड़ा सा वेरी कर रहा है, आंसर सही नहीं है, एक मिनट रुको। 4y-3x-a, 4y-3x-3, ये दो लाइन सही है, सो यहाँ पे 3a नहीं है, यहाँ पे 2a है बेटा। ठीक है, चलो हम चेंज करते हैं इसको, अगर ये 2a हो गया तो हमारा पी वन डिस्टेंस वेरी कर जाएगा, पी वन आएगा a बाय 5 के बराबर, इवन जो आएगा वो ए बाय फाइव आएगा, समझ गया ना, 2a-a/5 आएगा, वो 2 का फैक्टर का ही फर्क आ रहा था, तो ये a बाय 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2a² / 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है, देख लो, तो आंसर इज 2a² / 7। सबको क्लियर हो गया, ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी से, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ अ डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट from two perpendicular lines is 1. Then its locus is square, b straight line, c circle and d intersecting lines. D कुछ और लिख देता हूँ, मेरे को B से पैराबोला लिख देता हूँ। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ, ये मैं बताता हूँ, द सम ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस इज 1, देन वी हैव टू फाइंड इट्स लोकस। तो अब जैसे इसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस दी हुई हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस को मैंने क्या मान लिया, एक को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, ध्यान से सुनना भाई सब लोग, एक को मैंने वाई एक्सिस मान लिया, तो ये मेरा माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा, ये मेरा ओरिजिन हो गया। तो उसने बोला कि एक पॉइंट है जिससे दो परपेंडिकुलर लाइंस से अगर आप डिस्टेंस इसका सम निकालोगे, उस पॉइंट से उन परपेंडिकुलर लाइंस में जो डिस्टेंस इसका सम है वो अगर 1 हो रहा है तो आपको उस पॉइंट का लोकस निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं पॉइंट पी है, ठीक है, तो यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एच कॉमा के, ये लोकस वाला पॉइंट है हमारा, तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर गिराओगे तो कितना आएगा के, यहां से परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये कितना आएगा एच,
ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंसिस का सम किसके बराबर चाहिए, वन के बराबर चाहिए। ठीक है, अब ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, क्योंकि भाई डिस्टेंसिस का सम तो वन कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। बट यहाँ पे जब आप जाओगे तो अब क्या होगा, एच कॉमा के अगर लिखोगे तो ये डिस्टेंस तो आपका क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। यहाँ पे गलत लिख दिया ना, ये के वाई कोऑर्डिनेट है, तो जो एक्स डिस्टेंस आएगा वो एच आएगा, वाई डिस्टेंस के आएगा, ये डिस्टेंस एच आएगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, के आएगा। बट जब आप डिस्टेंस का सम करोगे, यहाँ पे एच नहीं यूज होगा क्योंकि एच तो नेगेटिव है ना, एच तो यहाँ पे नेगेटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट एच क्या होता है, नेगेटिव। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव एच लेना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंसिस के केस में ज्यादा बेटर रहता है आप मॉड लगा लो। तो मैं ये बोल सकता हूँ मॉड एच प्लस मॉड के इज इक्वल टू 1, ये लोकस मुझे चाहिए। बताओ भाई सही लिखा हुआ है कि नहीं सही लिखा हुआ। और इसको हम एक्स वाई में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। ऐसा इसीलिए आएगा, देखो इस चीज को समझा ऐसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भाई ये वाला जो डिस्टेंस है ये एच यूनिट है, ये डिस्टेंस के यूनिट है, इधर माइनस एच है, ये के है। एच तो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है ना, तो डिस्टेंस तो माइनस एच होगा, इसलिए मॉड लगा दिया। अब मॉड लगाने से क्या फायदा होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में ऑटोमेटिकली माइनस एच में ओपन अप होगा। ठीक है, अब थर्ड कोऑर्डिनेट में जाओगे तो कैसे ओपन अप होगा, माइनस एच माइनस के। हाँ वो थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है बेटा, एक बार मैं दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ, आ जाएगा। आप थोड़ा सा वेट करें, जिसको भी स्क्रीन में इश्यू आ रहा है थोड़ा सा वेट करें, आ जाएगा। अभी जो मैंने बताया, अभी तक जो बताया वो क्लियर हो गया कि अगर कोई भी पॉइंट एच कॉमा के है, हमें डिस्टेंसिस का सम हमें क्या चाहिए था। देखो उसने बोला एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंसिस का सम दो परपेंडिकुलर लाइन से किसके बराबर है, वन के बराबर है। ठीक है, अच्छा तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट एच कॉमा के माना, ये डिस्टेंस अब एच कॉमा के यहाँ तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये तो डिस्टेंस एच होगा, ये क्या होगा, हमने लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एच प्लस के इक्वल टू 1 होगा। सेकंड में क्या आएगा, वो एच जो आएगा, ये वाला जो आएगा पॉइंट आएगा आपके पास, ये नेगेटिव आएगा ना, तो आपको डिस्टेंस इसका सम कैसे लिखना पड़ेगा, माइनस एच प्लस के इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को ऐसे थर्ड में जाओगे तो वो क्या आएगा, थर्ड में एच और के दोनों नेगेटिव होते हैं, माइनस एच कॉमा माइनस के पब्लिक हो गया, माइनस एच माइनस के इज इक्वल टू 1। तो उस इन सबको कंबाइन करके मैंने क्या लिख दिया, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। अब ये जो लोकस है ना, ये आपको याद रखना है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1 जो लोकस होता है, एक स्केयर का लोकस है, लोकस ऑफ अ स्केयर। अब वो कैसे बनता है अभी वो देख लेते हैं। तो अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप हो, इसको अगर आपको बनाना है, प्लॉट करना है, बना रहे हैं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो, ये लाइन बना दो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनानी है आपको। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो एक्स का इंटरसेप्ट माइनस 1 आ जाएगा, वाई का इंटरसेप्ट 1 है, तो ये लाइन ऐसी बन जाएगी आपके पास। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, समझ आ ही रहा होगा, थर्ड माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव, x माइनस y इज इक्वल टू 1, तो x इंटरसेप्ट इज 1, y इंटरसेप्ट इज माइनस 1, ये हो गया। अब देखो डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये लेंथ भी 1 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 है, और डायगोनल्स इक्वल भी हैं, परपेंडिकुलर भी हैं और इक्वल भी हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, इसलिए पक्का से क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है, तो ए बी सी डी हमारे पास क्या आएगा, एक स्क्वायर आएगा, ठीक है, विद साइड लेंथ इज इक्वल टू रूट 2 एंड एरिया इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ठीक है, देखो भाई किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताओ,
किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो बताइए। क्लियर है, चलो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। आप लोग को एक होमवर्क है कि एक तो स्ट्रेट लाइन करने है आपको, पढ़ना ही है। जो आपका टेस्ट था उसका आप एनालिसिस करके मुझे भेजें चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप कर दें, एक पेज पे लिख दें कि ये क्वेश्चन थे, ये मिस्टेक हुई आपकी, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों का स्कोर कम है इसमें, तो उससे आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे गलती है आपकी, ठीक है। सॉल्यूशंस मैंने शेयर कर दिए थे ग्रुप में, और किसी को स्टिल कोई प्रॉब्लम है मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकता है। मैसेज मुझे आप इवनिंग में 6-7 o'clock से पहले करें, लेट नाइट मत करें, ठीक है, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। और किसी कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे या टीम्स के ऊपर, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे, और जय हनुमान जी करके एग्जिट करें।